हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज मैंने आलू दम पत्ता गोभी बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देख लीजिए, एक पत्ता गोभी मैंने ली थी, बारीक बारीक कटिंग कर लिए हैं, आलू भी धो के रख लिए हैं। अब इसे कुकर में डालती हूँ, उबलने के लिए रखना है हमें। अच्छे से उबाल लेती हूँ 3 सीटी आने तक। ये जो पत्ता गोभी आलू दम रहता है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तब तक मैं कढ़ाई में मसाले रेडी कर लेती हूँ, तड़का लगा लेती हूँ। कढ़ाई में डाला तेल, 5 फोरन, प्याज डाल दिया है, कड़ी पत्ता डाल दिया है। इसे अच्छे से भून लेती हूँ। ये मसाले हैं कच्चे, वो मैंने पीस लिया है। लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज सारे मैंने पीस लिए हैं। गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, नमक डाल दिया, धनिया पाउडर भी डाला है, गरम मसाले डाले हैं और काश्मीरी मिर्ची पाउडर डाले हैं। सारे मसाले जो भी थे सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एक टमाटर भी डाल दिया। अब इसे अच्छे से भून लेती हूँ। मसाला का जो पानी था ना मिक्सी में, वो मैंने डाल दिया है और इसमें पानी स्टरा नहीं पड़ेगा। अब मसाले को अच्छे से पहले पका लेती हूँ। यहाँ पे हमारा आलू और पत्ता गोभी भी उबल चुका है, ये देख लीजिए। इसे अच्छे से ठंडा करके निचोड़ लेना है। ये देख लीजिए, मसाला पक रहा है, 4-5 मिनट हो चुका है, सारे तेल ऊपर आ चुके हैं। दोस्तों, मसाला पक जाता है तो ही आलू दम में स्वाद आता है काफ़ी। ये पत्ता गोभी है जो मैंने इसके पानी निचोड़ लिए हैं, पानी एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और आलू भी मैं डाल देती हूँ इसमें। धनिया पत्ती डाल देती हूँ। बस इसे मसाले में ही पकाया जाता है, इसलिए इसका स्वाद काफी बढ़िया आता है। अब इसे अच्छे से चला के ढक देती हूँ 3-4 मिनट के लिए। ये देख लीजिए, मसाला भी बढ़िया से पक चुका है। अब हमारा आलू दम एकदम रेडी है दोस्तों। जब आलू दम बनाएं तो इसी तरीके से बनाएं, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। धनिया पत्ती डाल दिया है, 2 मिनट के लिए और मैंने ढक दिया। रेडी है हमारा पत्ता गोभी आलू दम। अब मैं सर्व करती हूँ दोस्तों, आप भी बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। टेस्टी पत्ता गोभी आलू दम। बाय बाय।